हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बिलोम। हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी बुक का। तो इसमें जो है इस ट्यूटोरियल में जस्ट इंट्रोडक्शन होगा, नेक्स्ट में मेल रिप्रोडक्शन, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या पार्ट्स या सिस्टम, और उसके बाद आगे। तो सबसे पहले ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड दे आर विवीपेरस। ह्यूमंस जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और विवीपेरस हैं, मीन्स दे आर फीटस develops inside the womb or uterus of the mother. Reproductive events in human include, जो reproductive events हैं human में वो हैं formation of gametes, means gametogenesis, और फिर gametogenesis दो तरह की होती है। एक होती है spermatogenesis जो कि मेल में होती है sperm की formation, then oogenesis जिसमें ovum formation होती है in female body. ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज़ कॉल्ड इंसेमिनेशन। नेक्स्ट जो स्टेप है या जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो होता है इंसेमिनेशन। ड्यूरिंग कॉपुलेशन ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म होती है इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, जिसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। देन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फिर स्पर्म एंड एग का यूनियन होता है जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, नतीजे में जायगोट बनता है। This is followed by the formation and development of blastocyst. Zygote से फिर embryo या blastocyst बनेगा and its attachment to the uterine wall. और वो जाके oviduct से होता हुआ uterus में आके uterine wall से वो uterine wall में implant हो जाएगा, जिस process को बोलेंगे implantation, and it marks the pregnancy. देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है और उसी प्रोसेस को या उसी पीरियड को गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। हर जानदार में अपना अपना गेस्टेशन पीरियड होता है, जैसे ह्यूमन में 9 मंथ्स का होता है। एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, और जब बेबी का बॉर्न या बर्थ होता है उसको पार्ट्यूरेशन कहते हैं। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर पबर्टी। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स मेल एंड फीमेल में आफ्टर पबर्टी होते हैं। पबर्टी इज़ द सेक्सुअल मैच्योरिटी जो 12-13 साल की एज से 19 की एज तक हो जाती है मेल एंड फीमेल में, जिसमें वो काबिल बन जाते हैं बच्चे पैदा करने के। सो देर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन इवेंट्स इन द मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल में जो इवेंट्स हैं वो उनमें बहुत सारा डिफरेंस है या डिफरेंस होता है नॉर्मली। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन, भले मर्द बूढ़ा हो जाए फिर भी उसमें स्पर्म की फॉर्मेशन होती रहेगी, जबकि फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस, फॉर्मेशन ऑफ ओवम रुक जाती है इन फीमेल एट द एज अराउंड द 50 ईयर्स। जब वो 50 ईयर्स की होती है तब फॉर्मेशन ऑफ एग्स जो है वो सीज हो जाती है, जिसको मीनोपॉज़ कहते हैं। थैंक यू।